डोल वाली बात कर रखी है। खा पंचायत तो तारीख पे तारीख, पंचायत पे पंचायत, लेन देन में खकनी, साहूकारी में सकनी। मारे नूनी समझ मान दे ना, तो ये चौधर छोड़ दे, चौधर के चिपटे खड़े हैं, और ना ये कुछ कर दे। और फिर यदि कम है तो फिर बुरा भी मानना है, क्योंकि भाई जितनी तेरी उम्र है इतना तुम्हारा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस ये है कि खाप जो चौधरी होया करते, यदि एक आवाज हो जाया करती, हल्का में भी खाप चौधरी इकट्ठे हो जाया करते, तो जंटा चढ़ जाया करता सरकार का। अरे इब दिल्ली वाली सरकार मजे ले रही है, और जो कल मतलब वारदात हुई, हम मानते हैं उसमें कुछ सामाजिक संगठन जो असामाजिक तत्व थे, बिल्कुल मानती हूँ मैं असामाजिक तत्व थे, पर उसके साथ साथ जो हमारे खाप चौधरी लत्ता ले रहे हैं, सरकार का लत्ता ले रहे हैं आज भी कुछ खाप चौधरी, जिनकी वजह से हमें नुकसान हुआ, और इसी वजह से हमारा किसान आंदोलन भी टूटा था और उसमें भी नुकसान हुआ था। और जो महिलाओं वाला सिस्टम है, इसके ऊपर तो आप ये मान के चलो जो कल हुआ वो हमारी जीरो रिपोर्ट थी, सब कुछ करके हम जीरो थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां जो ऑर्गेनाइज का सिस्टम था वो दो धड़ों में बंट चुका था। ऐसा लग रहा था भाई कुरुक्षेत्र का मैदान में, कुरुक्षेत्र का मैदान यही होगा, पर एक तरफ भरतभूषण होता तो अच्छा लगता, पर यदि खाप चौधरी एक दूसरे की पगड़ी उछाल रहे हैं, ये कहीं भी अच्छा नहीं था और अच्छा मैसेज नहीं गया। क्योंकि आप लोगों को पता है वहां अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल का जो हमारा ये मान के चलो मीडिया था, तो हमारी जो इज्जत थी वो विदेशों तक मतलब खराब हुई है। ये खाप चौधरी या जो लोग थे, यदि एक पक्ष हल्का सा भी चुप रहने की कोशिश करता तो हम इस बदनामी से बच पाते। यदि हम कहें कि सरकार गलत काम कर रही है, डंका बजा रही है, तो हमारे जो कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी मान सम्मान के लिए, अपनी बहू बेटियों की इज्जत को ताक पे रख के सिर्फ अपनी पगड़ी की लड़ाई लड़ना अच्छा समझा, हमें अच्छा नहीं लगा। दूसरी बात, हम जिस चीज पे लड़ रहे थे वो मुद्दा हमें कहीं ना कहीं छूटा नजर आया। वहां क्या लेके आए एजेंडा कि महिला खाप को कैसे किया जाए। अब खाप एक करण का मामला नहीं है, हम खाप करने के लिए वहां कुरुक्षेत्र तक नहीं गए। हम जो फिलहाल मुद्दा है बेटियों का मुद्दा, उस बेटियों के मुद्दे के ऊपर काम करने के लिए गए थे, ताकि कोई ऐसी रणनीति बने जो 28 तारीख को हम फेलियर रहे वो 9 तारीख को फेलियर ना रहे। और उसके अंदर एक बात और थी, इस आंदोलन को लंबा कैसे खींचा जाए, इस पे ज्यादा जोर था, ये नहीं था कि बेटियों को जितनी जल्दी न्याय मिले और बेटियां दोबारा से अखाड़ों में पहुंचे और न्याय की प्रक्रिया को तेज किया जाए। पर वही बात थी कि हम मानते हैं कल वाली पंचायत से हमारा अच्छा मैसेज नहीं गया, पर जब अब 9 तारीख का एक बहुत बड़ा अल्टीमेटम हम कहते हैं कि दे दिया गया है, तो मैं तो यही चाहूंगी कि ये इसके ऊपर अच्छा काम करे तो बढ़िया है, ये ना हो कि 28 तारीख को हम दोबारा से इतिहास को दोहरा दें। लेकिन डॉक्टर सिक्किम, बड़ा सवाल तो फिर से वही खड़ा होता है जैसा खाप के चौधरियों ने कहा कि सरकारी चौधरी वहां पहुंच गए थे, क्या वाकई में वो सरकार के नुमाइंदे, सरकार के लोग थे, उन्हीं की वजह से ये सब बवाल हुआ है, उनकी वजह से खापों को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है? नहीं, एक बात बताओ, ये बात मैंने आपके एक बार पहले लाइव पे कहा था कि बहुत से खाप चौधरी है जो सरकार का लत्ता लिए हुए हैं, तो उसमें कई लोगों ने उस टाइम में ऑब्जेक्शन उठाया था। जो मैंने कहा था वो सच कुरुक्षेत्र के मैदान में हो चुका है, अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जो मैंने नजर आया था वो आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। अब तो जो हमारे ये सरकारी जो चौधरी है, इनको पंचायतों से दूर करने कौन आएगा? सिक्किम नहीं आएगी, आप नहीं आएंगे। जो लोग सही है वही खाप चौधरी, उनको बाहर का रास्ता दिखाएं, ताकि वो या तो खाप चौधरी रहे या फिर किसी पार्टी का नुमाइंदा रहे। सरकारी कौन है उनका? नाम तो बताओ, सरकारी है कौन उनका? नाम बताओ ना, आपकी नजरों में कौन है उनका? नाम बताओ। नहीं, मेरी बात सुनो, नाम तो कल पूरी कुरुक्षेत्र ने देखा, पूरी मीडिया ने देखा, और पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। हमने तो एक दो का नाम लिया था, फिर वो फोन करते, फिर हमने फोन करने की जरूरत को नहीं। मैं तो यह कह पूंजी सिर्फ नू ला लो, 50% लोग सही थे और 50% ही दलाल थे सरकार के, और आज भी है, और इलाका वाइज सबने दे रहा, किस किस के नाम लेवा? नाम लेने से कुछ नहीं होता। नहीं, जो नाम लेने से क्या होगा? जो सरकारी दलाल है वो समझ लेंगे। देखो, कहने से नहीं, क्या कहने होगा? से तो उनको उनको, उनको ये तो पता, उन्होंने जो कल किया है उन लोगों को पता है भी, वो सरकारी दलाल है, समाज ने भी पता है, तो हम क्यों नाम लेकर उनकी और आवाज़ें वहाँ आवाज़ नहीं देंगे हम किसी ने? सुनो, आवाज ये थोड़ी है, ये शर्मिंदा नाम लोगे दावा तो जब आओगे, ये बताओ उसका नाम तो बताओ, कौन थे आप? पता चला अपने भी? नहीं, एक बात बताओ, जो लड़ रहे थे आपने के देखे को नहीं? आप भी थे, हम भी थे, उड़े हमने सारे ने देखा, किसने के करया, किसने माहौल खराब करया?
माहौल किसने खराब करा, आप देख लो मीडिया में, सोशल मीडिया ठाएगा, देख लो किसने माहौल खराब करे। आप अपनी जगह सरकारी चौधरी कौन थे।